तो भैया जी, वैसे तो अगर आप नासिक टू वाराणसी जा रहे हैं बादलों को चीरते हुए, तो आपको लगेंगे अराउंड 2 से 3 घंटे। बट देन अगर आप भी शौकीन हैं मेरी तरह स्टेशन टू स्टेशन विजिट करने का और साथ ही हर स्टेशन का अपना अलग जायका चखने का, तो स्वागत है आपका और मुबारक हो आपको क्योंकि आपकी ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है और आप चल रहे हैं हमारे साथ यानी वर्तमान ब्लॉग्स के साथ नासिक टू वाराणसी के एक अनोखे सफ़र पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट देन ओनली थिंग आई वॉज मिसिंग इन दिस होल ट्रिप वॉज मेरे फ्रेंड्स। आई वॉज नथिंग विदाउट दैम। मतलब हर एक चीज़ उन लोगों के साथ शेयर करना, चाहे वो कोई भी स्टोरी हो, ट्रिप हो या प्लान्स हो, अब अक्सर मतलब आदत सी हो चुकी है। उन लोगों की कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट्स काफ़ी हेल्प कर रहे थे, बट देन जिंदगी को हसीन बनाने के लिए काफ़ी नहीं थे। सो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि आई एम नॉट गोना डू एनी ट्रिप्स विदाउट माई फ्रेंड नाउ ऑनवर्ड्स। सो बॉयज सो बॉयज एंड गर्ल्स नाउ गेट रेडी फॉर द न्यू ट्रिप्स कमिंग सून। अभी ट्रेन कहीं तो भी रुकी है, सो लेट्स सी। भाई यार ये स्टेशन है, आवाज सुन रहे हो तुम लोग? अलग ही कुछ तो आवाज आ रहा है भाई। ये क्रिकेट साउंड तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि क्रिकेट्स की आवाज काफी पतली रहती है। और ये देखो स्टेशन के बाद ही जंगल विंगल शुरू हो गया। हॉन्टेड लग रहा बेटा। चलो भैया जी अंदर चलो। 1:45 और हम हैं जबलपुर में। मतलब उतरने का मन कर रहा था यार, इसलिए आ गया। उतर गया जल्दी से, जाना भी है। सही यार, मतलब सुबह की शुरुआत ऐसे उत्तर प्रदेश ऐसा कुछ सीन है। यहाँ पर मंजिल से काफी करीब। मैंने क्या जूम कर दिया यार, क्या जूम कर दिया।
भैया जी, वी आर एट वाराणसी, फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। मजा आ रहा है यार, बट बहुत धूप है, बहुत गंदी वाली तीखी धूप है, एकदम जबरदस्त वाली धूप, मैंने चुपती है एकदम, वैसी वाली धूप है यार। लेकिन एक चीज बेकार है, एसी वालों का मतलब सबसे पीछे खड़ा रहता है, या तो सबसे पीछे नहीं तो सबसे आगे, ये चीज मुझे वर्स्ट लगी। चलो अभी बैठते हैं अंदर, शायद निकलेगी, नो आइडिया। सो कुछ इस तरह होता है अब हमारा व्लॉग समाप्त। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, सो लाइक कर देना। मैं जल्दी बोलता नहीं अपने वीडियोस में लाइक करने के लिए, बट देन इस बार ज़रूर कर देना, और कमेंट छोड़ देना कि किस चीज़ में और मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, एंड ये भी बता देना कि कैसा लगा ये वीडियो। सो मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में एक नई तरकीब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।